इंग्लिश रिगार्डेड एज द मोस्ट नोटोरियस लैंग्वेज ऑफ ऑल। और इसी इंग्लिश में आता है एक कॉन्सेप्ट साइलेंट लेटर्स का भी। दोस्तों साइलेंट लेटर्स वो होते हैं जिन्हें लिखते समय स्पेलिंग में लिखा तो जाता है पर इनका प्रोनंसिएशन यानी उच्चारण नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उन्हीं साइलेंट लेटर्स की जो इंग्लिश वर्ड्स में लगकर उनकी प्रोनंसिएशन काफी कंफ्यूजिंग बना देते हैं। एंड आई एम श्योर आप भी कभी ना कभी इनके चक्कर में पड़ ही गए होंगे। मेरा मतलब ये है कि आपने भी कभी ना कभी लिसन को लिस्टन या आंसर को आंसर बोला ही होगा। दैट्स वेरी कॉमन, ये होते ही इतने कंफ्यूजिंग कि कोई भी पहली बार में कंफ्यूज हो ही जाएगा। पर गाइस क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और साइलेंट लेटर्स का क्या इस्तेमाल है और क्या इनके होने ना होने से कुछ फर्क पड़ेगा? अगर नहीं तो आइए आज इस वीडियो में जान लेते हैं। सो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल विजडम साइक्लोन पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में हर दूसरा वर्ड किसी दूसरी लैंग्वेज से लिया हुआ है। इनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनमें साइलेंट लेटर्स आते हैं, जैसे सुनामी जो कि जापानीज लैंग्वेज से लिया गया है। इसके अलावा साइकोलॉजी जो कि ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। आप देख पा रहे होंगे इन वर्ड्स की स्टार्टिंग में टीएस और पीएस है, पर आपको बता दें कि इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड की स्टार्टिंग में पीएस या टीएस का प्रोनंसिएशन सही नहीं माना जाता। ये इंग्लिश के फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन रूल्स के खिलाफ है, इसलिए इन लेटर्स को साइलेंट कर दिया गया। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमें होमोफोन्स के बारे में जान लेना होगा। तो दोस्तों होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनंसिएशन बिल्कुल सेम होता है पर इनकी स्पेलिंग और मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल हेयर एंड हेयर एंड नो। सो गाइस साइलेंट लेटर्स इन्हीं होमोफोन्स को डिफरेंशिएट करते हैं यानी इन्हें एक दूसरे से अलग बनाते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पे दो होमोफोन्स दिख रहे होंगे नो एंड नो, जिनमें एक का मतलब है जानना और दूसरे का मतलब नहीं। अब आप इमेजिन कीजिए कि पहले वाले नो यानी के एन ओ डब्ल्यू वाले नो में से के और डब्ल्यू जो कि साइलेंट है हटा लिए जाएं तो वर्ड्स बचेंगे नो एंड नो। हम जानते हैं कि दोनों वर्ड्स अभी अलग अलग हैं, पर क्या आप बता सकते हैं किस नो की क्या मीनिंग है? इनमें से कौन से नो का मतलब नहीं और कौन से नो का मतलब जानना है? आप कहेंगे इट्स इम्पॉसिबल, दोनों वर्ड्स बिल्कुल सेम लग रहे हैं। तो इन्हीं कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए होमोफोन्स में साइलेंट लेटर्स लगाए जाते हैं। इनके अलावा साइलेंट लेटर्स के अस्तित्व में आने का एक और रीज़न था जो है ईगो। जी हाँ दोस्तों, जब पहली बार इंग्लैंड में प्रिंटिंग टेक्निक तैयार हो पाई तो उसको तैयार करने वालों में सबसे ऊपर नाम था जर्मन्स और फ्लेमिश का। उन्हें लगा कि टाइम के साथ धीरे धीरे लोग उन्हें भुला देंगे और उन्हें कोई नहीं याद रखेगा कि उन्होंने प्रिंटिंग टेक्निक ईजाद की थी। इसीलिए उन्होंने प्रिंटिंग सिस्टम पर अपनी छाप छोड़ने के लिए किसी भी इंग्लिश वर्ड में कोई भी लेटर जोड़ दिया जो कि आगे चलकर साइलेंट लेटर्स बने। इनके अलावा प्रोनंसिएशन की सिंप्लिसिटी के लिए भी वर्ड्स में चेंजेस लाए गए हैं, जैसे कि नाइफ को पहले क्नाइफ प्रोनाउंस किया जाता था पर अब के साइलेंट है और इसे नाइफ प्रोनाउंस करते हैं। सो दिस वाज टुडेज वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो एंड गॉट सम न्यू इन्फॉर्मेशन।